नमस्कार, दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको अनसुनी कहानियां सुनाएंगे क्रिकेट के शहंशाह कर्नल सी के नायडू के बारे में, जो मध्य प्रदेश और इंदौर के थे। कर्नल सी के नायडू भारतीय क्रिकेट के प्रथम पुरुष थे। यह बात क्रिकेट के संदर्भ में उतनी ही न्याय संगत है जितनी कि हॉकी के बारे में यह कहना कि मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के प्रथम पुरुष थे। कर्नल नायडू भारत के पहले सच्चे महान क्रिकेटियर और वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज थे, जो बड़े बड़े छक्के मारने में सक्षम थे। बल्लेबाजी के साथ वो प्रभावशाली ऑफ स्पिनर और बहुत ही मजबूत फील्डर भी थे। आज से 125 वर्ष पूर्व कोट्टारी सूर्य प्रकाश राव और सौभाग्यवती महालक्ष्मी गरु नायडू, जो देश में संतरों और गर्मी के लिए मशहूर नागपुर में रहते थे, एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया कनकैया। इसका मतलब तेलुगु में होता है भगवान कृष्ण। उनके दादा कोट्टारी नारायण स्वामी नायडू ने उनको नाम दिया सीके। सीके यानी कोट्टारी कनकैया नायडू का जन्म आंध्रा से आए नागपुर में बसे परिवार में हुआ। तारीख थी 31 अक्टूबर 1895, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन होता है। नागपुर में बसे मशहूर नायडू परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी होते थे। आपके दादा नारायण स्वामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे और आपके पिता सूर्य प्रकाश राव नागपुर हाई कोर्ट के जज थे। उनके पिता और काका दोनों इंग्लैंड के विख्यात विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे और महान क्रिकेट खिलाड़ी रंजीत सिंह से उनके निजी ताल्लुकात थे। नायडू परिवार नागपुर का प्रतिष्ठित सुसंस्कृत और जाना माना परिवार था। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि सीके को बचपन से ही गोल आकृति की चीजों से दिलचस्पी थी। रंग और चमक धमक में उन्हें कतई कोई रुचि नहीं थी। संयुक्त परिवार था, सभी साथ रहते थे। परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे, अतः साहित्य, नाटक, संगीत और खेलकूद के लिए माकूल वातावरण था। परिवार के सदस्य मिलकर अक्सर शेक्सपियर के नाटकों का मंचन किया करते थे। कभी कभार छोटा मोटा रोल बालक सीके को भी मिल जाया करता था। बाल्यकाल में अभिनय के दौरान उनके उच्चारण साफ सुथरे, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस कारण बचपन से ही उनकी झिझक जागी तथा उनमें गजब का आत्मविश्वास आ गया। जैसे बड़े होने लगे, उनकी ख्याति नागपुर और उसके आसपास फैलती गई। घर घर उनके खेलने के कौशल की चर्चा होने लगी। बाद में तो सिर्फ यह दो शब्द सी के ही देश और विदेश में उनकी पहचान बन गई। जो भी उन्हें एक बार देख लेता भूल नहीं पाता था। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा सम्मोह था, हिप्नोटिज्म था कि क्या बात है। जब सिर्फ 7 साल के थे तब अपने से 10 बरस बड़े बच्चों से ताकत की प्रतिस्पर्धा करते थे। बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लोगों को हिदायत देना और उन लोगों का उन्हीं हिदायतों का पालन कराना,
ये साबित करता है कि सीके का जन्म ही आदेश देने के लिए हुआ था। बड़े होकर उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। सीके का बचपन पढ़ाई और खेलकूद क्षेत्रों में विभाजित रहा। क्लास के छोटे से कमरे की बजाय उन्हें क्रिकेट का मैदान अधिक सुहाता था, अर्थात चार दीवारी की बनिस्बत खुला आकाश और लंबा चौड़ा मैदान उन्हें ज्यादा पसंद था। इसका मतलब यह नहीं कि वे पढ़ाई में कमजोर थे, पढ़ने की बजाय उन्हें खेलना ज्यादा आकर्षक लगता था। खास बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी किया पूरे मन से किया और उसमें प्रवीणता प्राप्त की। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने स्कूल की टीम के लिए नागपुर की मशहूर बेडन शील्ड स्पर्धा में खेलने लगे। इस स्पर्धा में उन्होंने 4 साल में 10 सेंचुरीज लगाई और अपनी उच्च स्तरीय खेल प्रतिभा का प्रमाण भी दे दिया। सीके के पिता उनके खेल में गहरी रुचि रखते थे, अतः वो उनके निर्देशों पर पूरा ध्यान देते। उनके पिता को क्रिकेट का शौक था तथा रणजी उनके आदर्श खिलाड़ी थे। जिस पिता का आदर्श रणजी जैसा महान खिलाड़ी हो और जो अपने पुत्र को उसी स्तर का खिलाड़ी बनाना चाहता हो तथा पुत्र भी उतनी ही तीव्र इच्छा शक्ति से उतना ही बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध हो और अपने पिता के बताए रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलने के लिए संकल्प ले ले, तो जाहिर है कि उसका रास्ता कठिन, तकलीफ दे और चुनौतीपूर्ण तो होगा ही। सीके ने खुद स्वीकार किया कि मेरे पिता ही मेरे कोच थे, उनके सिद्धांतों पर मैंने हमेशा पालन किया, पर न जाने क्यों उन्हें शुरुआत में कुछ ऐसा लगा कि मैं डिफेंसिव खेल खेलता हूं, वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मुझे यह सीख दी कि मैं हर तरह के विकेट पर, हर तरह के गेंदबाज पर जमकर प्रहार करने की मानसिकता विकसित करूं। तेज धूप वो बरसात में भी खेलूं और अपने शरीर को सख्त और ताकतवर बनाऊं। सीके के पिताजी हमेशा कहते थे कि बल्ला है ही इसलिए कि उससे गेंद पर ताकतवर प्रहार किया जाए। पिता की यह सीख सीके की जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि इसने उनकी खेल शैली ही बदल दी। उनकी खेल शैली में आमूल परिवर्तन आ गया और वह एक डिफेंसिव बल्लेबाज की बजाय अटैकिंग बल्लेबाज बन गए। एक बल्लेबाज के लिए जो गेंद गुड लेंथ होती है उसे ही दूसरा बल्लेबाज हाफ वाली बना सकता है, बशर्ते ऐसा करने की उसमें क्षमता हो। यह रहस्य सीके को कम उम्र में ही समझ आ गया, अतः निर्धारित नियमों को मानने के बजाय उन्होंने खेलने के तरीके के खुद अपने ही नियम बनाए और उनके अनुसार ही वे खेले। सीके नायडू कहते थे कि तेज गेंदबाजी को खेलने के लिए ना तो लंबा कद जरूरी है ना ही शारीरिक शक्ति, जरूरत है साहस और सही स्वभाव की। ऐसे वातावरण, ऐसी शिक्षा तथा ईश्वर द्वारा प्रदान की गई जन्मजात प्रतिभा की वजह से ही सीके आगे चलकर जगत के ऐसे अटैकिंग बल्लेबाज बने। उनके सामने गेंदबाजी करने में अच्छे से अच्छे गेंदबाज कतराते थे। सामान्यतः बल्लेबाज गेंदबाजों से डरते हैं, खास करके तेज गेंदबाजों से, किंतु सीके एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनसे गेंदबाज डरते थे। खेलते समय बराबर गेंदबाजों पर हावी रहते थे। इनके इस ऑफेंसिव और अटैकिंग रूप के कारण अच्छे अच्छे गेंदबाजों की दिशा और नियंत्रण डगमगा जाता था। नायडू परिवार के सदस्य मिलजुल कर घर में ही
मशहूर नाटककार शेक्सपियर के नाटकों का मंचन तो करते ही थे, उनके परिवार की एक क्रिकेट टीम नागपुर के क्रिकेट जिमखाना नामक क्लब के सभी सदस्य नायडू परिवार के ही थे। उसे नायडू क्रिकेट जिमखाना भी कहा जाता था। नायडू परिवार की ईश्वर में आस्था थी। सभी हिंदू धर्म समारोह पूर्ण मनाए जाते थे। परिवार के छोटे और बड़े सदस्य उसमें शरीक होते थे। यही कारण था कि सीके के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा थी। वे संस्कार उनमें बचपन से ही पड़ गए थे। रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, राखी और होली भी वो मनाते थे और शिवरात्रि भी मनाया करते थे। वह अंधविश्वासी नहीं थे और ना ही कट्टर धर्मपंथी। उनका गेम जो था वो अटैकिंग टाइप का गेम था, यानी सिक्सर्स मारना तो उनका बिल्कुल यानी एक पहचान हो गई थी उनकी। जब भी वो ग्राउंड पे आते थे तो जनता चिल्लाती थी सीके सिक्सर सीके, और वो मार देते थे बिल्कुल। शुरू से ही बड़े फिजिकली फिट तो थे ही, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करते थे, हॉकी भी खेले, टेनिस तो रोजाना खेलते थे और बिलियर्ड्स भी, और क्रिकेट लेकिन खास उनका वो था मेन। उस टाइम में ना ये रणजी ट्रॉफी वगैरह नहीं हुआ करती थी, पेंटेंगुलर क्वाड्रेंगुलर, यानी पेंटेंगुलर मतलब पांच, क्रिकेट खेलना है। अब क्रिकेट खेलना है तो आपको कोई ना ये टूर्नामेंट्स में तो भाग लेना ही पड़ता है, तो इसलिए लेते थे, नहीं तो उनको ये पसंद नहीं था। ये बात फैल गई कि वो सीके नायडू है वो सिक्सर्स मार रहे, तो इतनी जनता आ गई, सब के सब आ गए, कोई छत पे बैठा है, कोई झाड़ पे पेड़ों पे बैठ के देखने लगे। एक सिक्सर पर ही लोग इतने खुश होते थे, उन्होंने एक के बाद मारते चले गए। कार्टून भी बनाया और झाड़ पे बैठ के वो आदमी चिल्ला रहा सीके हमको मत मारो, इतने ऊपर तक गेंद चली जाती थी उनकी। मैंने यहाँ तक कहानी सुनी कि बॉम्बे में जो उन्होंने एक सिक्सर मारा तो बॉम्बे का जो टावर वो घड़ी टूट गई थी, और भारतवासियों ने ऐसा मैच कभी देखा नहीं। वक्त हो चुका है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्रिकेट के शहंशाह कर्नल सीके नायडू की कहानी जारी रहेगी।